आज शुरू करते हैं इंडूसियम। तो आज के टॉपिक में इंडूसियम और सोरस के बारे में समझेंगे। इंडूसियम क्या होता है? ये प्रोटेक्टिक सोरस, प्रोटेक्ट करती है सोरस को। टैडोफाइट में सोरस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है इंडूसियम। इंडूसियम दो प्रकार का होता है, फाल्स इंडूसियम और ट्रू इंडूसियम और फाल्स इंडूसियम। इंडूसियम का होती क्या है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक डेलिकेट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फाल्स इंडूसियम होता है और एक ट्रू इंडूसियम होता है। ट्रू इंडूसियम में क्या क्या होता है? ट्रू इंडूसियम होता है प्लेसेंटा से जो निकलता है, प्लेसेंटा से बनने वाला इंडूसियम ट्रू इंडूसियम कहलाता है, जैसे कि डायप्टेरिस में होता है। अब डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम में जो ये रहा, ये डायप्टेरिस का पौधा है, डायप्टेरिस का है, और इसमें ये ट्रू इंडूसियम है। सोरस को प्लेसेंटा से निकला हुआ इंडूसियम है, जो कि क्या है, ये इंडूसियम, ये ट्रू इंडूसियम है क्योंकि ये प्लेसेंटा से निकला हुआ है और सोरस को प्रोटेक्ट कर रहा है। जबकि ये है क्या है, किस तरह से होता है ये, जैसे कि ये लीफ है और लीफ में ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में से ये सोरस निकले हुए हैं, यहाँ पर ये सोरस निकले हुए हैं और ये प्लेसेंटा से ही इंडूसियम निकला हुआ होता है जो इसको कवर्ड किए हुआ होता है। ठीक है, कवर्ड किए हुआ होता है। इस प्रकार ये जो होता है ट्रू इंडूसियम कहलाता है, प्लेसेंटा से बनने वाला इंडूसियम ट्रू इंडूसियम होता है। फाल्स इंडूसियम क्या कौन सा होता है? फाल्स इंडूसियम होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, फाल्स इंडूसियम होता है प्लेस लीफ के मार्जिन से निकलता हुआ, लीफ के मार्जिन से ये बैक कवर्ड आता है, सोरस को कवर कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। तो लीफ के मार्जिन से, यहाँ पर भी देखिए, लीफ के मार्जिन से ये इसको कवर किए हुए है सोरस को, यहाँ पर भी देखिए फाल्स इंडूसियम कवर किए हुए, इसको क्या कहते हैं, लीफ मार्जिन से निकलता है, इसकी फॉर्मेशन होती है। जबकि ट्रू इंडूसियम में प्लेसेंटा से इसकी फॉर्मेशन होती है। यहाँ देखिए फाल्स इंडूसियम क्या होता है, ये बॉर्न बाई फोल्डिंग ऑफ लीफ लेमाइना, लीफ लेमाइना की फोल्डिंग से ये बनता है। टेरिस और एडियंटम इसके एग्जाम्पल हैं। जबकि ट्रू इंडूसियम कैसा होता है, प्लेसेंटा से बनता है और इसका एग्जाम्पल डायप्टेरिस है। तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम जो है किसका है, एडियंटम का है, किसका है, ये एडियंटम का है, एडियंटम का डायग्राम है। ये फाल्स इंडूसियम है इसमें और ये डायप्टेरिस का है, डायप्टेरिस का है। ठीक है, तो इसमें हमने आज क्या देखा कि इसमें इंडूसियम जो होता है फाल्स इंडूसियम ट्रू इंडूसियम होता है, ट्रू इंडूसियम प्लेसेंटा से बनता है, डायप्टेरिस इसका एग्जाम्पल होता है, फाल्स इंडूसियम लीफ लेमाइना से की फोल्डिंग से बनता है, टेरिस और रेडियंटम इसका एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं सोरस, जो जिन सोरस को ये कवर्ड किया जाता है इंडूसियम, उस सोरस कितने प्रकार के होते हैं? ये सोरस होते हैं, तीन प्रकार के सोरस होते हैं, सिंपल सोरस होता है, ग्रेडेड सोरस होता है और मिक्सड सोरस होता है। सिंपल सोरस का जो होता है वो कुछ सम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कुछ स्टेजेस में ये पाया जाता है और ये एक्सटेंड टू पैल्यूजोइक, पैल्यूजोइक एरा में ये एक्सटेंड कर गया था, पैल्यूजोइक एरा तक ही ये देखने को मिला था। देखो बॉट्राइकियम इसका एग्जाम्पल है, बॉट्राइकियम और ऑफियोग्लॉसम, बॉट्राइकियम और ऑफियोग्लॉसम, इसको याद करने का तरीका है गिलास की बोट, गिलास से हो गया ऑफियोग्लॉसम और बोट से हो गया बॉट्राइकियम। ठीक है, ग्रेडेड सोरस में आते हैं मार्सीलिया, इसमें ग्रुप्ड होते हैं, ग्रुप कैसे होते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो न्यूबॉर्न सोरस बड़े होते हैं, न्यूबॉर्न सोरस जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं और ओल्ड वाले क्या कहाँ होते हैं, पेरीफेरी पर होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मार्सीलिया, साल्विनिया, आइसोइट्स, मासी इसका कोड है, मा से मार्सीलिया, एस से साल्विनिया, आई से आइसोइट्स।
मिक्स्ड सोरस। मिक्स्ड सोरस में क्या होते हैं, इसमें ओल्ड और न्यू दोनों एक दूसरे में मिक्स्ड होते हैं, तो एस मिक्स्ड होते हैं, जिस कारण क्या है इसे हम पहचान नहीं सकते कि कहाँ मिक्स्ड हैं, कहाँ ओल्ड हैं, कहाँ न्यू है। ठीक है, सब मिक्स होते हैं एक दूसरे में। जबकि सिंपल सोरस में क्या है, सब एक जैसे होते हैं, सब एक बराबर के डेवलपमेंट होता है ना, सेम डेवलप स्टेज के डेवलपमेंट होता है, मतलब सेम सेम साइज के होते हैं सब, सबका डेवलपमेंट एक साथ होता है, इसलिए सिंपल सोरस कहलाते हैं। इनका सेंटर वालों का सेंटर वाले छोटे होते हैं, न्यू होते हैं, अब जो पेरीफेरी वाले हैं वो बड़े होते हैं इसमें, और इस मिक्स्ड सोरस में छोटे और बड़े, नए और पुराने दोनों एक साथ साथ होते हैं। टेरिडियम इसका एग्जाम्पल है, मिक्स्ड सोरस का एग्जाम्पल है। टेरिडियम, एडियंटम, टेरेस और डायप्टेरिस, इसको अगर हम देखें, टीपी ए पी डी मतलब पापड़, पापड़ इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें एग्जाम्पल कैसे बनेगा, इसका पूरा हम याद करना चाहें तो मासी ने पापड़ गिलास की बोट में रखे, कैसे याद करेंगे, मासी ने पापड़ गिलास की बोट में रखे। तो यहां लिख लेंगे क्या, मासी ने मासी हो गया, मासी ने पापड़ गिलास की बोट में रखे। ठीक है, पापड़ हो गया, गिलास की बोट हो गया और मासी हो गया। ठीक है, तो इससे हम इसे याद कर सकते हैं, ये है इसकी ट्रिक, ट्रिक याद करने की हो गई। तो आज की बोट आज के इसमें इतना ही, और इस आप देखेंगे नई नई वीडियो में हम देखते हैं कुछ और नया। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ,